अरे आ गए आप लोग. वेलकम बैक गाइस, दिस इज जीत सलाल. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट. गाइस, आज मैं आपसे एक और ड्रग के बारे में बात करूंगा और बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना ताकि सही इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को जो फिटनेस में कदम रख रहे हैं अपना, खासकर जो टीनेजर्स हैं हमारे और फिटनेस में जिनका गोल मसल बिल्डिंग, फैट लॉस और बहुत ही सीरियस गोल जिनके हैं, जिनको बहुत ही गलत एडवाइस किया जा रहा है इस ड्रग के बारे में. तो बहुत ज़रूरी है मेरा इस बारे में बात करना. और उस ड्रग का नाम है क्लेनबुट्रोल. कभी ना कभी आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, शायद क्लेन, शायद क्लेनबुट्रोल, लेकिन इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा जब भी आप जिम के अंदर आपने कदम रखा हो या किसी भी अपने जानने वाले से जो बॉडी बिल्डिंग करता है या फिटनेस में है उससे ये नाम ज़रूर सुना होगा. और मेरा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ड्रग फ्री इंडिया के कैंपेन को चलाने के नाते, एज अ ड्रग फ्री प्लेटफॉर्म को चलाने के नाते, हिमालयन स्टैलिन के नाते, कि मैं आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन दूं ताकि इस ड्रग के चक्कर में लोग ना पड़े और क्या नुकसान होते हैं इसके ये आपको सही तरीके से पता हो, ताकि अगर कोई आपको सजेस्ट करे ये सब करने के लिए तो उससे बोले आप चल भाग यहाँ से, राइट. तो गाइस चलिए जानते हैं इस ड्रग के बारे में. और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर यू फॉलो दैट. एंड इफ यू सब्सक्राइबिंग मी तो मेक श्योर जो रेड बटन के पास में जो बेल बटन होती है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है मेरे लेटेस्ट वीडियोज के वो मिले. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे विद एग्जाम्पल कि क्लेनबुट्रोल से आपका सामना कैसे होता है. अगर आप एक ओवरवेट इंसान हैं और आप अपना वज़न घटाना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर अपने सिक्स पैक एब्स को देखना चाहते हैं, और अगर आप किसी बॉडी बिल्डर या जिम कोच के पास जाते हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जो सिर्फ स्टेरॉयड और इस तरह के ड्रग्स में डील करते हैं, वो आपको सबसे पहले बोलेंगे कि टेक क्लेनबुट्रोल. क्लेन ले लीजिए, आप एक साइकिल चला लीजिए क्लेन की, आपका सारा फैट निकल जाएगा वगैरह वगैरह, राइट. मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि क्लेनबुट्रोल है क्या. क्लेनबुट्रोल एक इस तरह का ड्रग है जो एस्थमेटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको दिया जाता है. अब खास बात ये देखिए कि ये ऐसा ड्रग है क्लेनबुट्रोल हाइड्रोक्लोराइड जो US में बैंड है FDA द्वारा, यानी कि FDA द्वारा बैन होने की वजह से आप US में इसको यूज़ ही नहीं कर सकते चाहे आप पेशेंट भी हो, मतलब ये बैन है. लेकिन कुछ कंट्रीज़ में बाहर, हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ और दूसरी एशियन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल होता है और लोग इसका विद प्रिस्क्रिप्शन एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब एस्थमेटिक पेशेंट्स को ये जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, उनको कैसे ठीक करता है ये मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है. और दूसरी बात, एक और चीज़ ये करता है कि थर्मोजेनिक इसकी इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इवेंचुअली जो आपको हेल्प करता है आपके फैट लॉस में. लेकिन इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझेंगे इसके नुकसान क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. सो गाइस, एक टर्म मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, सिंपैथोमिमेटिक. क्लेनबुट्रोल जो होता है वो आपका सिंपैथोमिमेटिक होता है, जिसकी वजह से वो आपके रिसेप्टर्स में एक्ट करता है. और किस रिसेप्टर्स में एक्ट करता है, वो आपके बीटा 2 रिसेप्टर में एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट करता है. अब ऐसा करने से, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि जो हमारे एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. यानी कि जो आपके वेसल्स होते हैं, जो आपसे जो सांस लेने वाले ब्रीदिंग वेसल्स होते हैं उसको खोलता है, चौड़ा करता है, और साथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जो तकलीफ होती है सांस लेने में जिनको, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो ये प्रोसेस है आपका क्लेनबुट्रोल का, स्टिमुलेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर्स को. अब इस स्टिमुलेशन से आपका जो थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है उससे आपकी सबसे पहले तो बॉडी हीट इंक्रीज होती है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है आपके बॉडी हीट बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने की वजह से. अब ये क्या करता है कि जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके सेल्स होते हैं उसको तोड़ता है और आपके फैट लॉस में आपकी मदद करता है, ठीक है. लेकिन ये तभी ज़रूरी है जब आपको इसकी ज़रूरत हो, जब आपको कोई प्रिस्क्राइब करे, मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आप एक एस्थमेटिक पेशेंट हैं और आपको ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, अगर आप ओवरवेट हैं किसी भी चीज़ की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, तब आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं एज अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है. लेकिन आजकल के बॉडी बिल्डर्स, आजकल के टीनेजर्स क्लेनबुट्रोल का इस्तेमाल करते हैं फैट लॉस करने के लिए, सिक्स पैक एब्स निकालने के लिए, साइकिल चलाते हैं उसकी दुनिया भर की, और बिना सोचे समझे इसके डोजेस को लेते हैं, जिसकी वजह से इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. मैं आपको गिनाता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है, बने रहिए.
सो गाइस, सबसे पहला साइड इफेक्ट आता है क्लैमिट्रोल का यहाँ पे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होने की वजह से आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं, वीर्ड चीज़ें, जैसे कि आपको जिटरी फीलिंग होती है, इची इची सा फीलिंग होगा, छोटी चीज़ है लेकिन रेगुलर बेसिस में अगर ये होता है तो ये ठीक नहीं है। साथ में आपकी जो बॉडी स्वेटिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेट करने लग जाएंगे आप, आपके हाथ कांपने लगेंगे, शिवर करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ नहीं रख सकते आप, शराबी के कांपते ना आप, बिल्कुल वैसे ही कांपेंगे आपके भी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके स्टिमुलेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होने की वजह से होती है। दूसरा साइड इफेक्ट होता है क्लैमिट्रोल का आपका हेडेक एंड नोज़िया, बहुत ज़्यादा सरदर्द होगा आपको अगर आप रेगुलर बेसिस में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कभी सरदर्द नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे नोज़िया की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, अजीब सी फीलिंग हो रही है, वॉमिटिंग टाइप की, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जिम के अंदर जाते हैं और 10 स्क्वाट के सेट लगाने के बाद उनकी हालत ऐसी होती है कि उल्टी करने जैसी, और खासकर कटिंग के टाइम पे मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, बॉडी बिल्डर्स के नए नए टीनेजर्स हैं, उल्टियां करते हैं जिम के अंदर, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है एज अ नेचुरल एथलीट, मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि मैं उल्टी कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी स्टेज में, चाहे मैं कटिंग कर रहा हूँ चाहे मैं बल्किंग कर रहा हूँ, कभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। वो आपको नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स तभी होती है जब आप ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक यहाँ पे जो साइड इफेक्ट है आपका क्लैमिट्रोल का, वो है आपका मसल क्रैम्प्स। और मसल क्रैम्प्स यानी कि क्रैम्प पड़ना, नस मुड़ना, इस तरह की चीज़ें, क्रैम्प पड़ना मसल के अंदर बहुत ही कॉमन है और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा स्टेज में बॉडी बिल्डर्स को क्रैम्प पड़ते हुए, जिम के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हुए, घर में लेटे हैं, काफ की नस मुड़ गई, काफ मुड़ गया, पूरा मसल क्रैम्प पड़ गया, तो बहुत ही कॉमन होता है वो। और इसीलिए कॉमन होता है, इसका एक पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो टॉरीन होता है वो डिप्लीट हो जाता है क्लैमिट्रोल के यूज़ से, और टॉरीन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है ताकि क्रैम्प ना पड़े आपको, राइट। तो ध्यान दीजिए गाइज, ये बहुत ही बड़ी साइंस है, आप बिना पूछे किसी के कहने पे भी कुछ भी मत ले लीजिए, राइट। और क्लैमिट्रोल जैसी चीज़ सिर्फ फैट लॉस के लिए आप ले रहे हैं, बहुत ही गलत। चौथा साइड इफेक्ट है इसका आपका इंसोमेनिया गाइज। अगर आप क्लैमिट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हमेशा इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम होगी। अब वो क्यों होता है ऐसा, क्लैमिट्रोल एक एक्टिव हाफ लाइफ होती है इसकी क्लैमिट्रोल की, जिसकी वजह से इसका जब भी आप इसको लेंगे, इंजेक्ट करेंगे, पिल लेंगे, कुछ भी, तो आप 34 घंटे तक इसकी जो मार्क तक ये एक्टिव रहता है, तो 34 घंटे के टाइम तक आप इसमें बहुत ही ज़्यादा वेट फील करेंगे, इची फील करेंगे, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा आपका, नींद नहीं आएगी आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम, और नींद नहीं आएगी मतलब मसल बिल्डिंग, रिकवरी, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो बेसिकली आप अपनी बॉडी को नुकसान और पहुंचाएंगे क्लैमिट्रोल लेके। पांचवा और सबसे खतरनाक यहाँ पे साइड इफेक्ट है गाइज आपका इररेगुलर हार्ट बीट्स। हार्ट पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, जिसमें आपका जो दिल की धड़कन है बहुत तेज़ हो जाती है, फास्टर पेस, और बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर की भी आपको प्रॉब्लम होती है, और ये लीड करता है आपको कार्डियक हाइपरट्रॉफी में, और जिसका सीधा सीधा मतलब है मौत। बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो कार्डिक अरेस्ट, इस तरह की हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मरे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे, रीसेंट बहुत सारे केसेस हुए हैं इस चक्कर से, राइट। तो गाइज, अगर आप एक नए हैं बॉडी बिल्डिंग में, और अगर आप पुराने भी हैं बॉडी बिल्डिंग में और आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार मसल साइज तो बहुत है मेरे पास लेकिन साला फैट कम नहीं हो रहा, सिक्स पैक एब्स नहीं निकल रहे, लेट्स टेक क्लैमिट्रोल, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। सोचिए ठंडे दिमाग से कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या इसके लॉन्ग टर्म नुकसान होंगे, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, डजंट मैटर, ठीक है, वो शायद बहुत ही मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ वो कर रहे हैं, अपनी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, रिस्क डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, कुछ अचीव करना चाहते हैं शायद अपनी लाइफ में, अब पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं वो, ज़िंदगी से बड़ा क्या है मेरे समझ में तो नहीं आता। इसलिए गाइस, वैल्यू करिए अपनी लाइफ को, और सिर्फ फिजिक बनाने के चक्कर में ये सारे ड्रग्स मत लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हिमालयन स्टैलियन ड्रग फ्री इंडिया के नाते, क्योंकि इंडिया को ड्रग फ्री बनाना है, कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश ही कर सकता हूं, और जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा नहीं होगा। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मेक श्योर यू हिट अ थम्स अप, लाइक करिए इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले, एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉलो मी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टेक केयर, जीत सलाल साइनिंग ऑफ।